नमस्कार, मैं राम सेवकानंद उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी। आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी पार्टी का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन अहमदाबाद स्थित आश्रम रोड पर उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे प्रदेश प्रमुख दिलीप सिंह गोहिल और उनकी प्रदेश कमेटी के द्वारा पिछले 2 साल से कोरोना काल के भीतर समाज सेवा का काम किया गया और उसके साथ साथ जितना भी हमको समय मिला हमने संगठन का विस्तार किया। आज हम लोग 33 जिला में से 22 जिला तक अपने संगठन को, पार्टी के कार्यकर को जुटाने में और पार्टी संगठन को बढ़ाने में सफल हुए हैं। उसी के आधार पर आज की तारीख में 100+ सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में अभी समय है कि हम 182 सीट तक अपने संगठन को आगे बढ़ा पाएँ। जहाँ जहाँ जितने ज़िले में, तालुकाओं में हमारा संगठन बनेगा, मजबूत होगा, उतनी ही सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। चुनावों में हमारे यहाँ 2 लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले युवाओं को और दूसरे नंबर पर महिलाओं को। और ये दोनों ही लोग वह होंगे जो अब तक समाज सेवा करते आए हैं, समाज के लिए किसी भी प्रकार से जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जनता के हित के लिए, सरकार के गलत फैसलों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अपराध के विरुद्ध जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उनको हम संगठन में और चुनाव में, दोनों में प्राथमिकता देंगे। ये हमारा लक्ष्य है। अभी तक सर जो है आपकी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी है या फिर आपका पहला ही चुनाव? राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी अभी 2017 में कॉरपोरेशन का कुछ सीट पर चुनाव हम लोग लड़े हैं बड़ोदरा के अंदर। और जैसा मैंने बताया, कोरोना का काल था 2020 के अंदर, समय नहीं मिला हमको काम करने का। फिर भी लास्ट के 1-2 महीने में जितना भी हम कर सकते थे, हमने नवंबर दिसंबर में काम किया और जनवरी में जो नहीं कर। ऐसा है कि आप टिकट देंगे लास्ट में, लेकिन लोग तो वही पूछते हैं ना कि लास्ट में जब डिक्लेरेशन हो जाता है उसके बाद में टिकट मिलती है, तो क्या आपने नहीं? हमारे यहाँ टिकट जल्दी फाइनल हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। जैसी संगठन हमारा हो जाएगा, हम बहुत जल्दी आकर नाम जाहिर कर देंगे अपने कैंडिडेट को, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। हमने लड़ा कुछ सीटों पर सर। इसमें अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप हम लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार प्रवास करेंगे, तो आपके मैनिफेस्टो में कितने लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा? जैसे कि आपने युवा का, महिलाओं कितना है, और अभी तक कौन सा मुद्दा आपका मेन मुद्दा है? सबसे पहला हमारा मेन मुद्दा है समान शिक्षा का अधिकार, कि इक्वल एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को उच्च शिक्षा मिल सके। कहने को तो नाम के लिए प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी जो बने हुए हैं, आप जानते हैं उस स्कूलों की हालत कैसी है, वहाँ पढ़ाई का स्तर कैसा है। हम चाहते हैं कि CBSE बोर्ड की तर्ज पर स्टैंडर्ड स्कूल का होना चाहिए, पढ़ाई का स्तर भी उसी तरीके का होना चाहिए और प्रत्येक गरीब बच्चे को वो सुविधा मिले। गरीब परिवार की जनता को एक सवाल है कि आप गुजरात की जनता 3 साल बंदे को तैयार करती है, उसको तैयार करते करते 5 साल होते ही बंदा पार्टी खोल देता है, यानी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर देता है, तो क्या आपकी पार्टी में भी ऐसा होगा कि आप जो अभी से आपके साथ जुड़े उनको टिकट देंगे और कोई आने वाले को टिकट देंगे? नहीं, हमारे पास सबसे पहले आपको बताया जो पैराशूट से आएंगे उनको टिकट हम नहीं देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई अच्छा समाजकरण, सामाजिक कार्यकर्ता और हो सकता है कोई भाजपा कांग्रेस का अच्छा लीडर, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, याद रखो हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है। अगर वहाँ भी उनके अंदर भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं और अब तक उन्होंने काम किया, अगर भाजपा जैसी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने उन कार्यकर्ताओं को वहाँ पर सम्मान नहीं दिया, उनको सुविधा नहीं दी है, अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और अगर जनता चाहेगी तो उनको टिकट भी देंगे और वो चुनाव जीत के भी आएंगे। अभी तो 2 चेहरे ही सामने आए गए, कल्याण सिंह ने कहा कि टिकट कांग्रेस के भाजपा में आ गई। मैं दोनों का अंतर करता हूँ। कल्याण सिंह चंपावत जी का कहना था कि जैसे कि आपने देखा कि टिकट कट गई और धरा आ गई, वो हमारे यहाँ नहीं चलने वाला है कि भाजपा की टिकट नहीं मिली अगर आपने। हाँ हाँ, वो सब चीज जो लोग आज की तारीख में इलेक्शन के जारात होने से पहले हमारी पार्टी में जुड़ते हैं,